गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है अमरीकांग अथवा सुरत दा चढ़ाओ, उसका अगला हिस्सा आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। सुरत लई किहड़े किहड़े नुकतियां दी जरूरत है, पिछे असी पंज नुकतियां दा जिक्र कर आए हाँ। छेवां नुकता है रबी कुदरत नाल गल। इस सुरखी विच मरसन एक बड़ा चंगा अलंकार बद्दा है, एक नज़ारा पेश कीता है जिहड़ा मलूम आउंदा है सुरत वालियां नूं चंगा लगदा है। निर्मल जल वगदा है जिहड़ा गंदला ना होवे, ओह इन्हां लोकां नूं बड़ा चंगा लगदा है। तले रेत ते नाना रंग दे पत्थर दिसदे होवण ते उत्ते निरोल जल घेरे पा पा वग रिहा होवे, ते एमरसन ने भी पानी दा जिक्र इउं कीता है, कहिंदा है एक बियाबान या जंगल दे विचकार कदी कदी किनारे या किसी झील दे किनारे खलोते होवो ते तको ओह निक्के निक्के चाबकां वांग हवा दे चौके, जिहड़े आण के पानी दी चादर नूं चाबकां दी मार दे दे उछालदे हन ते अनेक तरंगां दीआं निक्कियां निक्कियां किश्तियां बणाउंदे हन। ते इन्हां अनेकां किश्तियां दे नाच विच कदी तुसानूं याद आए होवण ओह ध्रुव देश दे रात समें दीआं नूरी बरखां ते उस दीआं तरंगां, ते ए तक के सुपन जे विच पै गए होवो कि दिन है कि रात, हाँ जी ओह स्वाद शायद याद होण। इस तरह कुदरत दे गीतां बाबत आप होरी एक डाढा स्वादला कटाखे करदे हन। क्या तुहाड़ी तबीयत कविता वल जांदी है? ते तुसी लोकां दे व्यापारी धंधियां थी बेजार हो, ते तुसी चाहुंदे हो कि वड्डे वड्डे कवियां दीआं पुस्तकां तुसां कोल आवण? इहो जिहा कुछ शौक है, कुछ स्वाद रस इस पासे दा है, तां इक दो तारां इक लकड़ी जेही विच ला के अपनी खिड़की विच टंग छोड़ो, ते तुसाडे पास ओह रब्बी रबाब आ जावेगी जिहड़ी कदी किसे होर नूं नसीब नहीं होई। ते तुसानू इस दे राग समझण वास्ते राग जाणू होण दी लोड़ नहीं, साडे विच कविता ते राग दे रस अनुभव करन दा मादा होवे सही, फिर तुसी गूढ़ अंदर दीआं गुफां विच आप मुहारे चले जा सो। ए सच है, पर ओह नशा अंदरों कढ़णा पऊ या किधरों मंगणा पऊ? बिना इस नशे दे सुरत ने एक खास अंदाज दे कुदरत ते कुदरत विच खुशी दे रस लैण दे विचार कुछ तसवरी जे हन। ओह बहुत थोड़े लोग ही हन जो कुदरत विच कविता और राग दे सुनन वास्ते कन रखदे हन। अगला जड़ा नुकता है सुरत लई जरूरी, वह है सुभाव दी एकांत। सारे प्रस्ताव विच सुभाव दी एकांत पर एमरसन ने बड़ा सोहना लिखिया है, इसनू चंगी तरह पढ़ना। इस विच ओह भुल कढ़ी जिहड़ी भुल के पूर्वी देशां दे मत ते मजहबां दे कई लोग करदे रहे हन, ते जिस भुल ने 52 लाख नंग इस देश विच बना दिता है। एकांत दे आदर्श नू ओह लोकी समझदे नहीं, शरीर दी एकांत और अपने साथियां दे शरीरां नू छड़ जा के जंगलां विच निवास करना पुन बना लिया, ते ए पता ना लगा कि सुरत तां जंगलां विच जा के बिल्कुल सखणी हो जाओ। हाँ जी, एकांत दे आदर्श नू ओह लोकी समझे नहीं, शरीर दी एकांत और अपने साथियां दे शरीरां नू छड़ के जंगलां विच निवास करना पुन बना लिया, ते ए पता ना लगा कि सुरतां जंगलां विच जा के बिल्कुल सखणी हो जाओ। उत्थे है कि पिया होया? जे पिया होया है तां जैसे अमरसन उपर दस आया है कि ओह उहनां लोकां वास्ते है जिहड़े कविता ते राग दे अनुभव करन वाले हन, अथवा जिन्हां दी सुरत चढ़ी होई है। ये सारा पढ़ो, पर विचों मैं तुहाडे सामणे कुछ को पद चुन के तरदा हां। पूर्वी देशां दे भुखे भेखुआं ते सन्यासियां दीआं जंगलां दी ताई तको ते एमरसन तको, घरों निकल के कान टूंडदा है किथे किसे शहर दे होटल विच किसी ग्रां दी सरां विच। आप लिखदे हन, मैं ए तकिया है कि मेरे वास्ते बड़ा चंगा आउंदा है कि हुनाल विच तां किसे पिंड दी सरां विच जा रहा, ते सियाल विच किसे शहर दे होटल विच जा रहा,
ते नाल कम ओ लै जांदा रहा हाँ जिहड़ा घर हो नहीं सी सकदा। फिर सारे समान मेरी कामयाबी भावें किन्नी ही थोड़ी क्यों ना होवे पूरे मैनू मिलने चाहिए हैं। सुरत वाले दियां ओ चीज़ां दुश्मन नहीं आउंदियां जिहड़ियां आम लोगों नू दुख देंदियां हन। ओ गरीबी जिहड़ी भुखियां नू मार देवे दुख नहीं दे सकदी, पर सुरत वाले दे दुआले दे समान जे जरा विगड़ जाण ते उसदी सुरत ठां नू आउणा करे तद वह आले दुआले दे समान थी जान बचाउण नू भजेगा। फिर दोहरा देईए, सुरत वाले दियां ओ चीज़ां दुश्मन नहीं आउंदियां जिहड़ियां आम लोगों नू दुख देंदियां हन। वह गरीबी जिहड़ी भुखियां मार देवे दुख नहीं दे सकदी, पर सुरत वाले दे दुआले दे समान जे जरा विगड़ जाण तां उसदी सुरत एठाहां नू आउणा करे तद वो आले दुआले दे समान थी जान बचाउण नू भजेगा। कोई होवे जिहड़ी चीज़, जिहड़ा समान, जिहड़ा कम, जिहड़ा आदमी उसदी सुरत ते वार करदा है वो उसदे दुश्मन हन और वो उहनां थी दूर रहिंदा। फिर दोहरा देई, कोई होवे, हाँ जी सुरत वाले किस तों दूर रहिंदे हन, देखो कोई होवे जिहड़ी चीज़, जिहड़ा समान, जिहड़ा कम, जिहड़ा आदमी उसकी सुरत ते वार करदा है वो उसदे दुश्मन हन और वो उहनां थी दूर रहिंदा है। एमरसन इस गल नूं थोड़े जे इशारे विच मुकाउंदा है, जिहड़ी चीज़ मेरे रस नूं तोड़े वो ऐसी ही भैड़ी है जिहड़ी मैनू लंगड़ा करे जां बेहोश कर सकदे। हाँ जी, जिहड़ी चीज़ मेरे रस नूं तोड़े वो ऐसी ही भैड़ी है जिहड़ी मैनू लंगड़ा करे जां बेहोश कर सकदे। नयापन, तब्दीलियां, वटावे सुरत वाले नूं खुश करदे हन। इस गल नूं दसण वास्ते एमरसन ने हाफिज नूं बुलाया है, कहिंदा है, हाफिज ने क्या चंगा आख्या, भाई कोई इस आसमान नू तोड़ के नवा बनाओ, इस पुराने थी मेरी तबीयत अक गई है। पता कद थी एहो इको साडे सिर दा छत चला आउंदा है, आओ इस नू पन के नवियां सुरतां बनाई। एक और डाढ़ी रास दी गल करदा है, जिस तरह कवि अलंकार बनन विच कुछ खुशी जिहा हुंदा है, इउं सच्चियां गल्लां नू एक कहानी दी शक्ल विच बयान करन विच कुछ स्वाद जिहा है, या इसी तरह किधरे किसी रंग विच, किधरे किसी रंग विच सुरत उच्ची हो जांदी है। सच नाल कूड़ मिलाण दा अर्थ यह है कि सच्ची आप बीती गल नूं कहानी जी बना दसना। ते फिर सर जोशिया रोनल्ड नूं कुदरती नज़ारे विच कुछ नहीं दिंदा सी। वो कहिंदा सी, भाई मैनू तां मनुख दे बशरे जिही चीज़ होर कोई नहीं लगदी। वाह भाई जोशिया रोनल्ड, ये तां गल फकीरां वाली तू कीती, फकीरां नूं वी रब दे मनुखां दे बशरे चंगे लगदे हन। बाज़े फकीर कुदरत नूं कुछ नहीं पसंद करदे, वो फकीर पत्थरां नाल सिर नहीं रगड़दे, ना घा पत्थरां ते पैड़ी जिहां गुफा ते भयानक शकल वाले पहाड़ां नाल टक्कर मारदे हन। वह तां चंगियां चंगियां रूहां वालियां सुरतां नाल लग के अपनी सुरत उच्ची करदे हन, उहनां नूं ये निर्जन बोले नहीं पाउंदे। ते हाँ भाई, जिन्हां मनुखां दे सत्संग ते हाँ जी असली नाम दे रस्सियां दे संगत विच, नाम दे रस्सियां दे सत्संग दा स्वाद चख लिया है, वह इन्हां मोटे जे करड़े जे पूरे पूरे पहाड़ां दी संगत विच कोई रस नहीं देख सकते। फिर दोहरा दईए, ते हाँ भाई, जिन्हां मनुख दे सत्संग ते हाँ जी असली नाम दे रस्सियां दे सत्संग दा स्वाद चख लिया है, वह इन्हां मोटे जे करड़े जे पूरे पूरे पहाड़ां दी संगत विच कोई रस नहीं देख सकते। जंगलां विच जानवर रहिंदे हन, मनुख ते जानवरां दा की संबंध? जिहड़ी चीज़ जानवरां नूं चंगी लगे वह मनुख नूं किवें चंगी लगदी है? मनुख दे बशरियां दा सत्संगी फकीर इउं सोचदा है। अगला नुक्ता सुरत वालियां लई अठवां, वह है सत्संग। सत्संग दी महिमा अपने तजर्बे अनुसार एमरसन ने बड़ी चंगी कीती है। भाई असल विच अरस्तू, कांट, हैगल आत्म विद्या दे प्रोफेसर नहीं, पर इहो जिहियां गल्लां, सत्संग दियां गल्लां, आत्म विद्या दियां गल्लां दे असली प्रोफेसर हैं।
आत्म विद्या पढ़न दा असली एहो सकूल है। आप और ही किसी कटाख्य नाल गुरमुख संत दा जिहड़ा तुर सतगुर पास पहुँचाउंदा है जिक्र करदे हन। देखो बाजे दैवी समझां ते सब थी उच्चे चर्चे दियां अंदर दियां अदृष्ट विच उपरले लोकां दियां गुप्त रमजां तां किसे इक विरले रूप पास हुंदियां हन और ओह उन्हां गहरियां तहां विचों उड़ के दूजे रूहां दियां गहरियां तहां विच चलियां जांदियां हन। ते हां जी इक विरले रूह दियां रमजां होरना सारिया पर हुक्म वांग चलदियां हन और उन्हां पर इन्हां दा हाथ आउंदा है। ध्यान देना जी किवें महापुरखां दियां वाइब्रेशन काम करदियां हन। फिर दोहरा दई बाजे दैवी समझां ते सब थी उच्चे चर्चे दियां अंदर दियां अदृष्ट विच उपरले लोकां दियां गुप्त रमजां तां किसे इक विगले रूप पास आउंदियां हन और ओह उन्हां गहरियां तहां विचों उड़ के दूजे रूहां दियां गहरियां तहां विच चलियां जांदियां हन। ते हां जी इक विरले रूह दियां रमजां होरना सारियां पर हुक्म वांग चलदियां हन और उन्हां पर इन्हां दा हाथ आउंदा है। एमरसन डाडियां पते दियां गल्लां करदा है। अगला नुक्ता जिहड़ा सुरत वालियां लई है ओह है पुस्तकां। आप दसदे हन कि कविता दे सोहणे सोहणे फबे फबाए शब्द बाज वेले बड़ा चंगा असर पैदा करदे हन ते सानू ओह किताबां पढ़नियां चाहिए जिन्हां विच किसी ना किसी तरह दा जीवन किसी दा कट के आया होवे। आम किताबां पढ़न दा कुछ फायदा नहीं। फिर दोहरा देईए सानू ओह किताबां पढ़नियां चाहिए जिन्हां विच किसी ना किसी तरह दा जीवन किसी दा कट के आया होवे। आम किताबां पढ़न दा कुछ फायदा नहीं। आखदे हन इहो जिहियां जीवदियां किताबां हन उह सत बाणियां हन ते सारे सुरत वाले अरशी लोग जीवदियां किताबां दा कदर करदे हन क्योंकि इन्हां विच सुरत दे पकण दे समान हन ते कूड़ी कविता दे ते उसदे कूड़े अलंकारां दे जहर दे उतार दियां दवाइयां इन्हां विच हन। फिर दोहरा देईए इहो जिहियां जीवदियां किताबां हन इह सत बाणियां हन ते सारे सुरत वाले अरशी लोग जीवदियां किताबां दी कदर करदे हन क्योंकि इन्हां विच सुरत दे पकण दे सामान हन ते कूड़ी कविता दे ते उसदे कूड़े अलंकारां दे जहर दे उतार दियां दवाइयां इन्हां विच हन। मरसन एक डाढ़ी गहरी तक वल कवि दृष्टि सुरत दे चढ़ाव दे समाना पर फेरी है। डूंगियां डूंगियां गलां आप दित्तियां हन और बाजियां गल्लां इन्नियां डूंगियां आखियां हन कि आप नूं भी उस डूंगाई दा थौ नहीं रहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।